ओके सो आज 22 अप्रैल है और दोपहर के लगभग 1 बज गए हैं और कल 21 तारीख को रात के 7:15 बजे एक ग्लिम्स आई थी स्टार स्पोर्ट्स पे, कल की 2898 AD की। और उसके बाद 9:15 बजे भी एक बड़ा ग्लिम्स आया था, मतलब 1 मिनट का ग्लिम्स आया था, या टीजर ही समझ लो अश्वत्थामा का। तो अब ये तो हमें पता है कि भाई अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा होने वाला है, बट उनका फर्स्ट लुक हमें इस ट्रेलर में या टीजर में कुछ तो देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक मैंने कुछ भी देखा नहीं है, मतलब सोशल मीडिया भी ओपन नहीं किया है, तो अभी मैं देखने जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा होता है। पहले हम 22 सेकंड का वो टीज़र या ग्लिम्स आया था वो देखेंगे और उसके बाद वो 1 मिनट का, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, and 1। क्या तुम मर नहीं सकते? तुम भगवान हो? कौन हो तुम? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। बाईस सेकंड का था, 22 सेकंड आई थिंक कम ही था, बट हाँ अब कंफर्म हो गया कि भाई अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा इस मूवी में आने वाले हैं। एंड हाँ, इट्स लुक्स क्वाइट गुड। मतलब वो स्टोन था ना इस बीच में, वो अश्वत्थामा का ही था, बट वो यंग वर्जन दिखाई दे रहा है। तो क्या वो अमिताभ बच्चन ही यंग वर्जन है उसका, या कोई और प्ले कर रहा है, पता नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब आगे देखते हैं। जो 1 मिनट का आया है उसमें कुछ बताया होगा, तो उसे प्ले करते हैं, ठीक है? I'm Raya. నీ పేరేంటి? నీతో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? జనరేషన్ గ్యాప్ అనుకుంటా. సెమ్మయ్య ఫైట్ పన్నింగ్ నిమ్మన్న రేడర్స్ షూట్ మాడిద్దు. మరి నువ్వు చనిపోలేవా? ఇది ఒక టెంపుల్ ఆను. బై ఎనీ ఛాన్స్ తుమ్ భగవాన్ హో? अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। असल एवर नुवु द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अबे डेट नहीं दी बे। खैर अच्छा तो लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी डिटेल लग रहा है। और जो बच्चा दिखा है उसमें, उसका नाम कुछ तो राया बताया गया है, राया ऐसा करके। तो प्रभास का नाम कुछ तो भैरवा है, तो भैरवा फिर आगे जाके कल्कि होगा, तो राया आई डोंट थिंक कि फिर ये होगा वो, ये कोई अलग होगा। और हाँ कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हाँ, नाउ आई हैव क्वाइट होप्स फॉर इट। बस रिलीज़ कब होने वाला है ये बताना चाहिए, बट खैर ऐसी खबरें उड़ती उड़ती आ रही है कि भाई कल ही, मतलब कल 21 तारीख को ही जब ये रिलीज़ हुआ, तभी मूवी की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब सॉन्ग्स के साथ। तो होप है कि जल्दी अनाउंस करें डेट, क्योंकि डेट आएगी तो हाइप बिल्ड होना चालू होगी, क्योंकि अभी कुछ भी आई डोंट थिंक कि हाइप है उतनी ज़्यादा। बट हाँ, इससे तो हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो यंग कल्कि, सॉरी यंग अश्वत्थामा दिखाया है इसमें, इस यहाँ पर माथे पर मणि है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अश्वत्थामा का तो मणि निकाल लिया था ना, या तोड़ा था श्री कृष्ण ने। तो अमिताभ जो अश्वत्थामा है इसमें, तो इसमें उसके माथे पर है ये मणि, मतलब वो ग्लो कर रहा था, आप देखोगे तो ग्लो कर रहा था। तो उसके पास वहाँ कैसे आया पता नहीं, वो हमें मूवी में या ट्रेलर में पता चल जाएगा। तो हाँ, लाइक आई सेड कि भाई मेरे होप सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बाकी आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, या टीज़र या इंट्रोडक्शन जो भी था। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक कीप वॉचिंग रॉकी द वॉचर।